हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ बच्चों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बच्चों से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। किसी का बच्चा ज़िद्दी होता है, किसी का बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है। तो ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे आपकी जो बच्चों की परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, तो इसी के बारे में मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने कई बार देखा है कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नींद में डर जाते हैं और डर के एकदम से उठ के बैठ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो अगर आपके बच्चों के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप सबसे आसान तरीका अपना सकते हैं। छोटी सी हनुमान चालीसा आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, तो आप वो छोटी सी हनुमान चालीसा लेके बच्चे के सिरहाने रख दीजिए। हो सके तो ये उपाय मंगलवार या शनिवार के दिन कीजिए आप। उससे आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चों का डर के उठ के बैठ जाना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर हो सके तो हर रोज़ शाम को दिया बत्ती के समय भगवान के पास जाके बैठ जाइए। वहाँ पे बैठने के बाद आप भगवान के सामने दिया जलाइए, किसी भी अच्छे सुगंध वाली अगरबत्ती जलाइए। गुलाब की अगर अगरबत्ती आप जला सकते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, या फिर कोई भी नॉर्मल अगरबत्ती आप जलाइए, धूप जलाइए, और वहाँ पे बैठ के भगवान के सामने बैठ के आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। लेकिन वो कैसे करना है? दिया अगरबत्ती जलाने के बाद सामने अपने सामने एक कॉपर के ग्लास में पानी भर के रखिए। कॉपर का ग्लास या कॉपर का लोटा भी चल सकता है, उसमें पानी भर के रखिए और अपना राइट हैंड उस ग्लास के ऊपर आप रख के फिर पूरे राम रक्षा स्तोत्र का आप पठन करेंगे। और फिर उसके बाद वो राम रक्षा स्तोत्र का पठन होने के बाद वो पानी अपने बच्चे को पिलाइए। उसके अलावा जो अगरबत्ती या जो धूप आपने जलाई थी उसकी जो बबूती बची हुई रहती है वो आप अपने बच्चे के माथे पे लगाइए। तो ये राम रक्षा स्तोत्र का जो पठन है, वैसे तो आपको 41 कंटिन्यूस डेज तक करना है, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चा फिर भी डर रहा है या फिर नींद में रो रहा है बहुत ज़्यादा और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो ये उपाय आप रेगुलरली हमेशा कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि बच्चों का डरना धीरे धीरे कम हो जाएगा और पूरी तरीके से ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को आप तब तक कंटिन्यू कीजिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे डर रहे हैं तो घर में, पूरे घर में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो घर के हर एक कमरे में जाए और वहाँ पे जाने के बाद आप अपने मोबाइल पे आप गूगल से या यूट्यूब से डाउनलोड करके हनुमान चालीसा हर एक रूम में आप प्ले कीजिए। इससे आप देखेंगे कि घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो तो बाहर निकल जाएगी और बच्चों का जो बेवजह डर के उठना और रोना जो है रात को, वो बंद हो जाएगा। अब दूसरा उपाय मेरा ऐसा है कि अगर आपके बच्चे को बार बार नज़र लगती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय है। एक चांदी के ताबीज में आप छोटा मोर पंख जो आता है वो उसको आप भर के उसके गले में आप डाल दीजिए, या फिर चांदी के ताबीज में अगर आपको मोरपंख, क्योंकि मोरपंख जो है वो ओरिजिनल होना ज़रूरी है। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक मोरपंख आते हैं, तो अगर छोटा सा मोरपंख आप अगर फोल्ड करके उस ताबीज में डाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और वो जनरली जंगल्स में या जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पर थोड़ा सा ईजिली अवेलेबल हो सकता है, लेकिन सिटीज़ में बहुत सारे फेक मोरपंख भी आते हैं तो वो कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर आपको मोरपंख ओरिजिनल मिलता है तो आप छोटा सा मोरपंख फोल्ड करके चांदी के थोड़े से बड़े ताबीज में आप उसको डाल के गले में पहना दीजिए काले धागे में। या फिर अगर मोरपंख ओरिजिनल अवेलेबल ना है तो ऐसे में आप चांदी के ताबीज में कुछ राई के दाने भरिए और वो उसमें डाल के बच्चे के गले में आप पहना दीजिए। तो इससे बार बार बच्चे को जो नज़र लगने की जो चीज़ है ना वो कम हो जाएगी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद करता है तो आपको क्या करना है? 11 मंगलवार ये उपाय करना है। क्या करना है ये उपाय? मंगलवार के दिन बच्चे के ऊपर से 11 लौंग आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं और उसके बाद वो लौंग कहीं पे भी आपको बालकनी से या बाहर आंगन से बाहर फेंक देने हैं रोड के ऊपर। तो ये सिर्फ आपको 11 मंगलवार ये उपाय करना है। उससे भी आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चे की जो ज़िद करने की आदत है वो कम हो रही है। इसके बाद ज़िद्दी बच्चों के लिए एक और भी जालिम और बहुत ही आसान सा उपाय मैं आपको बताती हूँ।
हनुमान जी जो है ना वो वैसे देखा जाए तो मंगल और शनि ग्रह को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं, तो इसलिए कई बार ये देखा गया है कि बच्चों की कुंडली में कुछ प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी होती है जिस वजह से बच्चे बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा देखा गया कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है जिस वजह से बच्चों को चिड़चिड़ होती है, उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, या फिर अगर पेरेंट्स या जैसे माँ बाप या फिर अगर उनके एंसेस्टर्स अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो हेरिडिटरी भी कई बार देखा गया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और चिड़चिड़े हो जाते हैं, और भी मेडिकल इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टर्म्स में अगर मैं कहूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। कई बार ये होता है कि राहु मंगल और शनि इन तीनों का अगर गलत कॉम्बिनेशन हो या गोचर से अगर वो थोड़े से अनफेवरेबल हो जाए तो बच्चों को पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ या गुस्सा आता है, या कई बच्चों का स्वभाव ही ऐसा बन जाता है क्योंकि उनकी कुंडली में मंगल शनि राहु जैसे प्लैनेट्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर चंद्रमा वीक होता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन बच्चों को हनुमान जी के मंदिर आप ले जाइए। वहाँ लेकर जाने के बाद हनुमान जी के लेफ्ट पैर का सिंदूर थोड़ा सा निकाल के बच्चे को उसका आप तिलक लगाइए, और ये उपाय आप हर मंगलवार को और हर शनिवार को नियमित रूप से कीजिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि बच्चों की चिड़चिड़ और ज़िद पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है, क्योंकि हनुमान जी सबसे ताकतवर है। हनुमान जी के पैरों का तिलक अगर आप अपने माथे पे लगाते हैं तो उससे वो आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, क्योंकि हनुमान जी को शक्ति विद्या बुद्धि का वरदान है, तो वो हम सबको ये वरदान देते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले। तो अगर आप उनके पैरों का सिंदूर निकाल के अगर अपने माथे पे तिलक करेंगे तो उससे बच्चों को सद्बुद्धि मिलेगी और उनकी जो चिड़चिड़ है, उनका जो गुस्सा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा कई बार मैंने ये वास्तु विजिट्स में ये चीज़ सबको मेंशन की है, और मैं यहाँ पे भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर का नॉर्थ साइड अगर हैवी है, यानी अगर आपके घर का उत्तर कोना नॉर्थ साइड अगर हैवी है, वहाँ पे कबर्ड्स है हैवी वाले, या फिर वहाँ पे बेड्स है, या फिर वहाँ पे सोफ़ा सेट है, तो अगर आपने उत्तर की दिशा में बहुत ज़्यादा भारी सामान रखा है तो ऐसे घर में बच्चों की प्रगति जो है वो स्लो होती है, बहुत ज़्यादा लेट होती है, और इसके अलावा बच्चे शारीरिक तौर पर कमज़ोर होते हैं। तो उसके लिए कौन सा उपाय किया जा सकता है, उसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है कि उत्तर दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा वनस्पतियों के पौधे लगाइए। हो सके तो आप सूरजमुखी पौधा भी उत्तर दिशा में, या अगर उत्तर दिशा में पॉसिबल नहीं है तो आप घर में किसी भी कोने में सूरजमुखी पौधा लगाइए, और उत्तर दिशा में वनस्पतियाँ लगाइए, वनस्पति के पौधे लगाइए, और बच्चों को कहिए कि उस सूरजमुखी पौधे को और बाकी जो वनस्पतियों के पौधे आपने लगाए हैं उन सबको नियमित रूप से जल दे, पानी दे। अगर उस घर के बच्चे जहाँ पे उत्तर दिशा भारी है, अगर उस घर के बच्चे वनस्पतियों को सूरजमुखी पौधे को अगर नियमित रूप से जल देंगे, तब भी आप देखेंगे कि जो उस घर का वास्तु दोष है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और बच्चों की प्रगति जो रुकी हुई है, यानी उनका जो प्रोग्रेस रुका हुआ है, वो इजीली आगे बढ़ेगा। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स थी बच्चों के लिए। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। आई एम श्योर कि ये सब टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर उपाय है, तो आप ये ज़रूर कीजिए। ये बात ज़रूर है कि इसमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारे उपाय मैंने नहीं बनाए हैं, ये सारे उपाय हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। बहुत सारे ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर्स इन उपायों को बताते हैं, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचा है, और ऐसे ट्राइड एंड टेस्टेड उपाय ही मैं अपने चैनल पर हमेशा बताती हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं बताती जो रॉन्ग हो। तो ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किए हुए हैं, उनका उसे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, बच्चों की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, बच्चों का गुस्सा ख़त्म हुआ है, बच्चों की चिड़चिड़ कम हो गई है, बच्चों का नींद से जग के उठना और डरना कम हो गया है। तो आप इन उपायों को आजमाइए। ये मेरे टिप्स आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। फॉर पेड कंसल्टेशन मेल मी ekta.khotkar@gmail.com। अगर मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले जो भी अपलोड्स हैं वीडियोस के वो आप तक पहुंचते रहे। कैसा लगा ये मेरा वीडियो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।